नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, मांगने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी लेटेस्ट न्यूज के अनुसार ना, HSSC जो CET ग्रुप डी की तैयारी कर रही है, वो हलचल पूरी तरह तेज है, और आपको कोई बहकाए ना, एग्जाम नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, उससे आप दूर हो जाइए। एग्जाम है ना, वो 3 तारीख को, 2021 जो आपके 21-22 अक्टूबर को एग्जाम होना तय है, इसके लिए सेंट्रो की अपडेट है, क्या चीज रहेगी। और सबसे पहले प्यारे बच्चों, नए बच्चों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैंने मेरी हरियाणा GK, इंडिया GK का वादा किया था, वो पूरा कर दिया है। साइंस की और मैथ्स की भी क्लास लग रही है। GK भाई प्रदीप सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी तैयारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आज है ना, जो बच्चे बुक का कह रहे थे, आज पूरे हरियाणा में ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। मैं लगभग है ना, आपके जो नजदीकी बुक सेंटर है उससे आप पता करना, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ जर्नल स्टडीज प्रदीप सर की ये हमें बुक है चाहिए। और ये प्यारे बच्चों, ये सरफेस रहेगा कंप्लीट इंडिया जी के, इसमें NCERT के पैटर्न पर कंप्लीट साइंस है 15 नंबर की, बाईलिंगुअल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पहले पूरा का पूरा प्यारे बच्चों, जैसे एंशिएंट इंडिया है, फिर एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चन पॉलिटी है, पॉलिटी के क्वेश्चन, निशा शर्मा मैम को कौन नहीं जानता, ठीक है, और ये ललित पावड़ा और सोनू मेहरिया, ये भी मैम और सर बहुत मेहनत की है। तो ये बुक है ना, कितने रुपए की मिलेगी, 330, ये 450+ पेजों की है, 331 रुपए की मार्केट में मिल जाएगी आपको। और लगभग आपका 55 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की बैठक जल्द ग्रुप डी के CET के लिए तय होगी सेंटरों की संख्या। ग्रुप डी कॉमन एलिजिबिलिटी CET के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जल्द ही बैठक करेगा। इस बैठक में CET को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। आयोग की ओर से सभी जिलों को टीमों को भेजा है, इनको 21 और 22 अक्टूबर को होने वाले एग्जाम को लेकर सेंटरों का निरीक्षण करना है। यही नहीं, संबंधित जिलों के शिक्षा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करनी है, और 11 सितंबर को इनको अपनी रिपोर्ट देनी है, यानी 11 तारीख से पहले। लेकिन रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की बैठक होगी, जिसपे सभी सेंटरों की स्थिति और संख्या और उनकी क्षमता पर चर्चा होगी। इसके बाद ही आयोग निर्णय लेगा कि किस जिले में कितने सेंटर बनाए जाएंगे, किस जिले को ब्लैक लिस्टेड रखा जाएगा, और सुबह शाम के समय कितने सेंटरों पर कितने परीक्षार्थी दे पाएंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन गोपाल सिंह खत्री का कहना है कि इस मामले में जल्द ही बैठक होगी, अभी तय नहीं हुआ है कि किस जिले में कितने सेंटर बनेंगे या कितने जिलों में यह परीक्षा होनी है। यह तय है कि अब की बार दिव्यांगों और महिलाओं के सेंटर दूर नहीं होंगे, उनके लिए पहले से निर्णय लिया जा चुका है। आयोग 11 लाख से अधिक परीक्षा देने वालों का डेटा भी तैयार किया। अभी लगभग है ना, ऐसा कहा जा रहा है कि 11 लाख एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं प्यारे बच्चों, एग्जाम देने ना मुश्किल से 7-1 लाख बच्चे जाएंगे, वो भी बहुत ज्यादा है। चाहे फॉर्म कितनों ने भरा, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे, मैं फिर भी कह रहा हूँ, हरियाणा में लगभग 50-1 हजार के आसपास है। और अगर ये सरकार है ना, सभी मतलब TGT की भर्तियां पूरी करती है, ग्रुप सी की पर भर्ती पूरी करती है, और ग्रुप डी की, तो पढ़ने वाले सभी बच्चे लग जाएंगे, इतनी गारंटी है। एक सिंगल बच्चा भी पढ़ने वाला नहीं रहेगा, जो थोड़ा सा 70-80% भी जिसकी तैयारी है ना, वो लग जाएगा, लेकिन उसको अभी टाइम है, 100% अपनी तैयारी कर लीजिए। और आज है ना प्यारे बच्चों, वही तय टाइम पर 3:15 बजे क्लास रहेगी आपकी, जो हरियाणा GK की, इंडिया GK की, और शाम को आप कहोगे तो हरियाणा करंट अफेयर की क्लास शुरू कर देंगे। कमेंट करना, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।